9.5 साल तक हरियाणा की सत्ता के बेताज बादशाह रहे पूर्व सिंह मनोहरलाल खट्टर को अब ये एहसास हो गया है कि सत्ता जाने के बाद क्या अंजाम होता है, सत्ता से हटने के बाद पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है, सत्ता से हटने के बाद पब्लिक की नाराजगी क्या होती है, सत्ता से हटने के बाद पब्लिक का फीडबैक क्या होता है। सीएम पद से हटने के बाद करनाल लोकसभा सीट पर सांसद का चुनाव लड़ रहे खट्टर साहब को करनाल की जनता ने हाथ जोड़ने को मजबूर कर दिया है। आप खुद ही देखिए खट्टर साहब जनता से किस तरह से अपने व्यवहार के लिए माफी मांग रहे हैं। के कारण से भी आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं आज 8.5 वर्ष के 9.5 वर्ष के बाद इस सभा में मंच से खड़े होकर के अपने करनाल वासियों से हुई भी है उस स्वभाव के कारण से भी आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं आज 8.5 वर्ष के 9.5 वर्ष के बाद इस सभा में मन से खड़े होकर के अपने करनाल वासियों से के कारण से भी आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं आज 8.5 वर्ष के 9.5 वर्ष के बाद इस सभा में मन से खड़े होकर के अपने करनाल वासियों से हुई भी है उस स्वभाव के कारण से भी आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं आज 8.5 वर्ष के 9.5 वर्ष के बाद इस सभा में मन से खड़े होकर के अपने करनाल वासियों के कारण से भी आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं आज 8.5 वर्ष के 9.5 वर्ष के बाद इस सभा में मन से खड़े होकर के अपने करनाल वासियों हुई भी है उस स्वभाव के कारण से भी आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं आज 8.5 वर्ष के 9.5 वर्ष के बाद इस सभा में मन से खड़े होकर के अपने करनाल वासियों से के कारण से भी आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं आज 8.5 वर्ष के 9.5 वर्ष के बाद इस सभा में मन से खड़े होकर के अपने करनाल वासियों से हुई भी है उस स्वभाव के कारण से भी आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं आज 8.5 वर्ष के 9.5 वर्ष के बाद इस सभा में मन से खड़े होकर के अपने करनाल वासियों से 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे मनोहरलाल खट्टर को कभी भी जनता के सामने इस तरह से हाथ जोड़ते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। खट्टर साहब उसी करनाल की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं जिसे उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज किया, जिन्होंने खट्टर साहब को भरपूर जनसमर्थन दिया, जिन्होंने खट्टर साहब को रसूख देने का काम किया। अब हालात बदल गए हैं, अब खट्टर साहब सूबे के मुख्यमंत्री नहीं है, अब खट्टर साहब सुपर पावर नहीं है और अब खट्टर साहब को सांसद बनने के लिए करनाल की जनता के आगे न सिर्फ हाथ फैलाना पड़ रहा है बल्कि हाथ भी जोड़ने पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसी कमियां रही होंगी, कुछ तो ऐसी खामियां रही होंगी जिसके चलते खट्टर साहब को अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी पड़ रही है। ये हकीकत है दोस्तों कि खट्टर साहब 9.5 साल तक सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने शहर करनाल के लोगों का दिल जीतने में नाकामयाब रहे, पूरी तरह से फेल रहे। असल में खट्टर साहब ने करनाल शहर को पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर छोड़ दिया था, ब्यूरोक्रेसी ने ही खट्टर साहब के ओर से प्रशासन चलाया, सरकार चलाई और जनता के साथ डील करने का काम किया। लेकिन खट्टर साहब ये भूल गए कि जनता ने उन्हें विधायक बनाया है और इसी विधायक के कारण ही वो हरियाणा के सीएम बने हैं। लेकिन खट्टर साहब 9.5 साल तक जनता से पूरी तरह से कटे रहे, उनके अफसरों ने ही जो मन में आया वो किया, यानी बेलगाम अफसरशाही ने करनाल की जनता को भी भरपूर परेशान करने का काम किया। अब करनाल की जनता परेशान है, अब करनाल की जनता खट्टर साहब से बदला लेना चाहती है और खट्टर साहब को अपनी हार की आशंका हो गई है, इसलिए खट्टर साहब जनता से माफ़ी मांग रहे हैं कि जाने अनजाने में अगर उनके व्यवहार से कोई किसी को ठेस पहुंची है, अगर जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हुई है तो जनता उन्हें माफ़ कर दे। बेशक खट्टर साहब ने हाथ जोड़ लिए हों, बेशक खट्टर साहब ने ये नहीं कहा कि माफ़ी दे दो, लेकिन हाथ जोड़ने से ये साफ हो जाता है कि खट्टर साहब जनता किससे क्या मांग रहे हैं, जनता को क्या कह रहे हैं और वो अपने लिए किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं। खट्टर साहब सुपर पावर के तौर पर 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि खट्टर साहब के 9.5 साल के सीएम के पद के ऊपर रहते हुए
वो करनाल में 9.5 शुभचिंतक भी नहीं बना पाए हैं, 9.5 अच्छे यार भी ना बना पाए हैं और 9.5 बड़े नेताओं को बड़े समुदाय को जोड़ने में नाकाम रहे हैं। जाहिर सी बात है खट्टर साहब पैराशूट के जरिए करनाल की सियासत में उतरे थे, उतरते ही वो मुख्यमंत्री बन गए और 9.5 साल तक वो बेताज बादशाह रहे। लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद अब खट्टर साहब को एहसास हो रहा है कि करनाल के लोगों को उनसे लगाव नहीं है, करनाल के लोगों को उनसे प्यार नहीं है और इसलिए करनाल के लोग उनको वोट देने के लिए बेताब नहीं हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों बार करनाल की जनता ने बेशुमार समर्थन देकर खट्टर साहब को विधायक बनाया और उन्हें सबसे ज़्यादा वोटों का रिकॉर्ड बनाने का काम भी किया। लेकिन खट्टर साहब कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। ये सच्चाई है कि 60 साल तक जो विकास कार्य करनाल में हुए थे उनके मुकाबले में 9.5 साल में करनाल में विकास कार्य ज़्यादा हुए हैं। जाहिर सी बात है कि सीएम सिटी के तौर पर करनाल को फायदा भी मिला और वहाँ पर विकास कार्य दूसरे शहरों से ज़्यादा भी हुए। लेकिन ये भी हकीकत है जितने पैसे स्मार्ट सिटी के तौर पर करनाल शहर में लगे हैं अगर वो पूरी ईमानदारी से खर्च किए होते तो आज करनाल का नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खट्टर साहब का व्यवहार करनाल के लोगों के साथ कभी भी सहज नहीं रहा। खट्टर साहब कभी भी करनाल के लोगों को अपना नहीं बना पाए और ना ही खुद को करनाल के लोगों को अपने सीने में बसा पाए और ना ही वो जनता के नेता बन पाए। यही वजह है कि खट्टर साहब के उस रूखे हुए व्यवहार के चलते अब करनाल की जनता में उनके प्रति कोई लगाव नहीं है, करनाल की जनता में उनके प्रति मोह नहीं है और यही वजह है कि खट्टर साहब को अपनी हार की चिंता सताने लगी है और यही वजह है कि खट्टर साहब को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब आप ही बताइए कि खट्टर साहब क्या करें। जब तक वो सीएम रहे तब तक उनको ज़मीनी हकीकत नज़र नहीं आई, वो हमेशा ब्यूरोक्रेसी के भरोसे रहे, वो हमेशा अफसरों को ईमानदार समझते रहे, वो हमेशा अफसरों को सही समझते रहे, वो हमेशा अपने ही पार्टी के नेताओं पर शक करते रहे, वो हमेशा अपनी पार्टी के वर्करों को कम आंकते रहे। उन्होंने ना तो कभी पार्टी के वर्करों के साथ मिलकर काम किया, ना ही उन्होंने करनाल के अपने साथी नेताओं के साथ अपने दिली रिश्ते कायम किए। यही वजह रही आज खट्टर साहब के साथ दिल से न तो करनाल का कोई बीजेपी का नेता खड़ा है और न ही करनाल का कोई कार्यकर्ता खड़ा है और न ही करनाल की जनता उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। यही वजह है कि खट्टर साहब को करनाल में अपने लिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आई है। उनको फीडबैक मिल रही है कि करनाल की जनता उनको लेकर पॉजिटिव नहीं है, करनाल की जनता उनको खुलकर वोट देने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि खट्टर साहब को जनता के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। अब देखने की बात यह कि 9.5 साल की बेरुखी के बाद क्या करनाल की जनता अब खट्टर साहब को माफ करने का काम करेगी, क्या करनाल की जनता खट्टर साहब के ऊपर रहम करने का काम करेगी, क्या खट्टर साहब को जनता सांसदी के लिए वोट देने का काम करेगी। बेशक पीएम मोदी के नाम पर तीसरी बार भी बीजेपी को बड़े वोट मिल सकते हैं लेकिन करनाल की हकीकत यही है कि खट्टर साहब के नाम पर वोट मिलने चाहिए थे, खट्टर साहब के नाम पर एक तरफा माहौल करनाल पार्लियामेंट में होना चाहिए था। लेकिन जनाब आप करनाल पार्लियामेंट को तो छोड़िए, आप करनाल शहर की हकीकत को जानिए, आप करनाल शहर में घूमिए। 9.5 साल तक सीम रहते हुए खट्टर साहब करनाल की जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाए हैं। यही वजह है कि खट्टर साहब को लेकर आपको कहीं भी करनाल में दीवानगी नजर नहीं आएगी, खट्टर साहब के प्रति आपको कहीं बड़ा जन समर्थन नजर नहीं आएगा। यानी खट्टर साहब सीएम के तौर पर तो बेशक कामयाब रहे हों लेकिन जनता के दिलों को जीतने में वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, वो करनाल की जनता के साथ रिश्ते बनाने में नाकाम रहे हैं, वो करनाल के लोगों के साथ अपना जुड़ाव बनाने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि करनाल की जनता से उन्हें वो जन समर्थन नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे और उन्हें भी अब ये एहसास हो गया है कि वो कहीं ना कहीं गलत है और इसलिए माफ़ी मांगना उनकी मजबूरी भी है। करनाल की जनता क्या खट्टर साहब को माफ़ करेगी या नहीं करेगी ये तो चुनाव परिणाम से पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये साफ तौर पर नजर आया है कि खट्टर साहब को अभी जनता के अंदर और जाना होगा, उन्हें कॉलोनी कॉलोनी घूमकर जनता से समर्थन मांगना होगा, उन्हें कॉलोनी कॉलोनी घूमकर अपने लिए माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें कॉलोनी कॉलोनी घूमकर अपने लिए जन समर्थन जुटाना होगा, तभी वो करनाल लोकसभा सीट को चुनाव जीतने में सफल हो पाएंगे। करनाल सीट पर मनोहर लाल खट्टर के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए।
करनाल सीट पर होने वाले सियासी घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। करनाल सीट पर करनाल शहर के लोगों का मूड जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।